जय हिंद दोस्तों, बहुत स्वागत करता हूं आपका अपनी YouTube चैनल पर। आज सवेरे ही मैंने छत्तीसगढ़ SI का जो प्रीवियस ईयर में मेंस का पेपर हुआ था GS का, उसके संबंध में एक वीडियो डाला हुआ है। उसमें मैंने 1 से लेकर 30 तक के प्रश्न करवाए हैं। जो लोगों ने उसको नहीं देखा है और छत्तीसगढ़ में सब इंस्पेक्टर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, एक बार उसको ज़रूर देख लीजिएगा। कुछ जो करंट अफेयर के प्रश्न थे वो उसमें पुराने थे, मैंने छोड़ दिया है उसको, लेकिन उस प्रश्न पत्र को देखने के बाद आपको ये समझ में जरूर आ जाएगा कि कितने जो प्रश्न हैं वो किस किस सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं और कितने जो प्रश्न हैं वो करंट अफेयर से पूछे जाते हैं। तो जो लोग नहीं देखे हैं उसको एक बार जरूर देख लीजिएगा। उसके आगे की जो पार्ट है मैं जरूर लेकर के आ जाऊँगा। और जो चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक ऐप के बारे में बताना चाहूँगा जिसका नाम है फिलो ट्यूटर ऐप। ये भारत का बहुत ही सुविधाजनक ऐप है जिसके जरिए आप महीने का 20,000 रुपये तक कमा सकते हैं, और वो भी दिन के सिर्फ 4 घंटे खर्च करके। इस ऐप की सबसे खासियत यह है कि स्टूडेंट को कहीं से भी और किसी भी समय आप पढ़ा सकते हैं अपने शेड्यूल के अनुसार। अगर आप 1 या 2 सब्जेक्ट में बहुत अच्छे हैं तो आप फिलो ज्वाइन कर सकते हैं और स्टूडेंट को पढ़ा सकते हैं। आप सिंपली अपने मोबाइल नंबर जो कि पैन कार्ड से लिंक हो उसमें जा करके रजिस्टर करें। पे आउट ईजली मंथली पेमेंट विथ एक्स्ट्रा इनिशिएटिव, जितना पढ़ाओगे उतना ही कमाओगे। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, अभी जा करके ऐप को जरूर डाउनलोड करें। आज के इस वीडियो में बात करूंगा कि कुछ दिन पहले एक फोटो वायरल हो रही थी, उसमें ऐसा कहा गया था कि जो बस्तर फाइटर है उसकी जो भर्ती की जो समय सारणी है वो वायरल हो रही थी, और कुछ लोगों ने मुझसे कमेंट करके पूछा भी था क्या ये सही है क्या। उस समय उसमें कुछ भी सील साइन या एक राजपत्र के अनुसार जिस प्रकार से आया जाता है उस प्रकार से नहीं आया था, तो मैंने भी उसको इग्नोर कर दिया था और उस समय उस पर ध्यान नहीं दिया था। अभी भी वो फोटो है मेरे पास, मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में। उसमें जो पहली डेट लिखी गई थी कि प्रकाशन की तिथि 22 अक्टूबर 2021, तो अगर वर्तमान में देखेंगे बस्तर फाइटर में जो वैकेंसी आई हुई है छत्तीसगढ़ पुलिस की, तो उसमें जो प्रकाशन की तिथि है वो 22 अक्टूबर की ही है। तो इसका मतलब वो जो समय सारणी है उसके अनुसार ही इसका प्रकाशन किया गया है जो उस समय वायरल हो रही थी। और जो अंतिम तिथि है वो 12 नवंबर की लिखी गई है, और 12 नवंबर तक आपको अपने जो आवेदन है वहाँ पे पुलिस अधीक्षक कार्यालय में प्रत्येक जिले में जमा कर देने हैं। तो ऐसा लग रहा है कि जो वायरल हो रही थी फोटो वो सही हो सकती है। अगर मान लीजिए सही नहीं भी है तो आप सभी अभ्यर्थियों को जो बस्तर फाइटर की तैयारी कर रहे हैं वो उसके अनुसार तैयारी करिए। उसको अगर आप लोग के पास नहीं होगी, आप लोग उसको नहीं देखे होंगे, तो मैं यहाँ पे अब स्क्रीन में डिस्प्ले करा देता हूँ, और इस सारणी के अनुसार ही आप लोग तैयारी रखें। ये सही है या नहीं है इसका मैं दावा और पुष्टि नहीं करता हूँ, लेकिन जो स्टार्टिंग की जो 2 डेट हैं वो इससे मैच कर रही हैं जो अभी भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट हुई है बस्तर फाइटर्स के लिए। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए आप लोग स्क्रीन पे कि देखिए यहाँ पे दिखा रहा है बस्तर फाइटर्स आरक्षक प्रस्तावित भर्ती हेतु समय सारणी दिखाई जा रही है, और प्रकाशन की तिथि 22/10/2021 जो कि इसी तिथि में प्रकाशित हो चुका है और फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए हैं। आवेदन करने की जो अंतिम तिथि यहाँ पे दिखाई गई है वो 12/11/2021 है, शाम को 5:30 बजे तक, ये भी बिल्कुल सेम ही था, इसलिए मैं इस पर भरोसा कर रहा हूँ और इसके लिए आपको आगे भी सलाह दे रहा हूँ। दूसरी, अगर मैं बात करूँ प्रमाण पत्रों की जांच होगी आपके जो आप लोग आवेदन में लगाए होंगे, और शारीरिक मापतौल एवं शारीरिक प्रवीणता संबंधी जो कार्यक्रम होंगे वो 22/11/2021 से 30/11/2021 मतलब 22 नवंबर से 30 नवंबर के बीच में आपका फिजिकल जो है वो ले लिया जाएगा। इसके बाद फिजिकल लेने के बाद सभी बच्चों का जो लिखित परीक्षा है वो बहुत दिन का समय नहीं दिया जा रहा है, केवल 10 या 12 दिन का समय दिया जा रहा है। लिखित परीक्षा का जो कार्यक्रम है वो 12 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगा, प्रातः 10 बजे से लेकर 12 बजे तक आपकी लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। लिखित परीक्षा के बाद लिखित परीक्षा में जो उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन किया जाएगा, 10 दिन का समय मतलब 22 दिसंबर को मूल्यांकन कर दिया जाएगा, और उसके बाद रिजल्ट भी आ जाएगा। उसके बाद जो इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू 5/1/2022 मतलब 5 जनवरी 2022 को से लेकर के 10 जनवरी 2022 तक आप सभी लोगों का इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। इसके बाद मैं बात करता हूँ चयन सूची जो होगी वो अनुमोदन हो जाएगी 14/1 को, और अंतिम जो चयन सूची है वो प्रकाशित कर दी जाएगी 20/1/2022 को। तो ये जो समय सारणी है इस प्रकार है, इसमें कुछ भी सील साइन या पुलिस डिपार्टमेंट ने कुछ भी नहीं दिया गया है। बहुत पहले से वायरल हो रही थी लेकिन उस समय ध्यान नहीं दिया इसमें मैंने, क्योंकि इस पर किसी भी सील साइन या पुलिस डिपार्टमेंट संबंधित नहीं लिखी थी, ये भी समझ में नहीं आते थे वायरल कहाँ से हो रही है। लेकिन जब 2 स्टार्टिंग की डेट मैच हुई है बस्तर फाइटर संबंधित, तो मैं अभ्यर्थियों को सलाह दूंगा कि
आने वाले समय में ये सही है या गलत है आपको मालूम चल ही जाएगा, लेकिन अगर जो डेडिकेटेड होकर अच्छे तरीके से भर्ती की तैयारी कर रहे हैं बस्तर फाइटर्स के लिए, वो इसको ज़रूर फॉलो करें, इसके अनुसार ही अपनी तैयारी रखें। अगर इससे अधिक समय मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर मैं इसी को मान करके चलूँ तो ये निश्चित मान लीजिए कि जो प्रकाशन की तिथि है मतलब अंतिम सूची की, वो 20 जनवरी है 2022, मतलब कि अभी अक्टूबर ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, 3 महीने में आपको अगर गवर्नमेंट जॉब चाहिए और बस्तर फाइटर की जॉब आप लेना चाहते हैं तो अच्छे तरीके से इसके लिए मेहनत कीजिए। फिजिकल के लिए 1 महीने का समय, फिजिकल पे ध्यान दीजिए और एज वेल एज जो रिटर्न परीक्षा होगी उस पर भी बराबर ही ध्यान दीजिए। पूरा जो इसका किस प्रकार से चयन सूची होगी उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना दिया, आप लोग जा करके देखेंगे, और फिजिकल इसमें किस प्रकार से लिया जाता है उसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बना दिया। बस्तर फाइटर के लिए मैंने 4 से 5 वीडियो बना दिए हैं, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया, उसको जा करके देखिए। तो दोस्तों ये जो जानकारी थी बस्तर फाइटर संबंधी जो सूची थी, जो समय सारणी थी इसकी जो पहले वायरल हो रही थी, उसके संबंध में मैंने एक वीडियो था मेरा, और आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और मैं मिलता हूँ दोस्तों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।